इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर पे ब्रेड रोल्स कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 बॉयल्ड आलू लिए हैं और फिर मैंने 3 हरी मिर्ची इसमें काट के डाली है। इसके बाद मैंने इसमें 2 प्याज डाले हैं एकदम चॉप करके, और यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी जो धनिया है वो डाली है। धनिया को साफ़ करके उसे धो के डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक डाला है 1 चम्मच, आप नमक स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची ली है और 1/2 चम्मच सूखा धनिया, और ये सब डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ब्रेड लेंगे, और ब्रेड एक प्लेट में हम पानी ले लेंगे और ब्रेड को उस पानी में डालेंगे और उस ब्रेड में से पूरा का पूरा पानी पहले निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद जो ब्रेड में साइड से जो लगे रहते ब्रेड के साइड्स वो हम अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि वो फिर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें फिर आलू भर के और इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे, आलू को बिल्कुल भी निकलने नहीं देंगे। तो फोल्ड करके इसी तरह से आपको सारे के सारे रोल्स बना करके रख देने हैं। रोल्स बनाने के बाद आपको एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें तेल डालना है। हमें इसे डीप फ्राई करना है तो हम इसमें तेल उतना ही डालेंगे। इसके बाद हम इसमें सारे के सारे ब्रेड रोल्स डाल देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे, तब तक फ्राई होने देंगे जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाते और ब्राउन नहीं हो जाते।